वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पांडवास एम्पायर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था अग्निवीर डायनास्टी। तो हमने वहां पर देखा जो उनका ये लास्ट जो था किंग शिव प्रकाश जो था वो था लास्ट रूल ऑफ अग्निवीर डायनास्टी। यहाँ पे हमने जम्बुलोचन बाहुलोचन के बारे में पढ़ा था। तो वो जो डायनास्टी है वो खत्म हो गई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट डायनास्टी की ओर, यानी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पांडवास एम्पायर। द किंग शॉल ऑफ सेव को डिफ्यूटेड शिव प्रकाश। प्रकाश जो महाभारत वार हुआ था वहां पर जो हमारे पास एक ये था किंग शॉल था, इसने डिफ्यूटेड शिवा प्रकाश, जो शिवा प्रकाश है इसको डिफ्यूट किया गया, यानी इसको मतलब वहां पे हरा दिया गया। यहाँ से हमारे जो अग्निगर डायनास्टी होती है खत्म होते हैं, तो यहाँ पे आती है पांडास डायनास्टी। और जो पांडास डायनास्टी है आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शॉल, जो यहाँ पे गवर्नर होता है वो कौन बनता है, बबरू वाहन वो बनता है नेक्स्ट गवर्नर आफ्टर द किंग शॉल। तो इसके बाद ये फाउंड करता है एक टावन जिसका नाम है बाबर। बाबर जो है फाउंड टावन करता है, कौन करता है बबरू वाहन। इसके बाद जो वो पांडास एम्पायर जो हमारे पास है, या जो पांडास रूल है, या जो पांडास डायनास्टी है, ये जो पांडास रूल है सॉरी ये कहां तक जाता है, ये रूल करते हैं यहाँ पे 500 ईयर्स तक। कितने टाइम के लिए? 500 ईयर्स तक। इसके बाद तो सिंपली जब ये 500 ईयर्स तक रूल करते हैं यहाँ पे, तो सिंपली वहां पे जो किंगडम होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकली करेंस एंड ट्रेवल चीफ्स यहाँ पे जो है छोटे छोटे डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे किंगडम उसमें, और मतलब 500 ईयर्स के बाद, ठीक 500 ईयर्स रूल करने के बाद। इसके बाद आते हैं हमारे पास अगेन अग्निगिर डायनास्टी। यहाँ पे जो अग्निगिर डायनास्टी खत्म हो गई थी, जो शिव प्रकाश ने जो हारा था यहाँ पे महाभारत वार में, अब वो फिर आ रही है हमारे पास, एक और बार आ रही है हमारे पास अगेन अग्निवीर डायनास्टी का मुस्किया। एज पर द गुलाम नामा दैट इज अ बुक दैट वॉज रिटन बाय देवात करपराम ने जो बुक लिखी थी गुलाम नामा, जो हमारे पास दो ये रूलर्स यहाँ पे ज्योति प्रकाश एंड सर्वा प्रकाश जो हैं, जिसको हम और जिनकी नाम से पुकारते हैं जयदेव एंड श्री प्रकाश, जो इसका नाम है इसको हम जयदेव भी कहते हैं, सर्वा प्रकाश जो है इसको श्री प्रकाश भी कहते हैं। यानी जो दो होते हैं ज्योति प्रकाश और श्री प्रकाश, ये है ये क्या करते हैं, ये फिर आते हैं अग्नि ये अपने कब्जे में कंकर करते हैं जम्मू को, जो यहाँ पे डिसेंडर्स होते हैं किंग शिवा प्रकाश के, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कुछ और रूलर्स आते हैं, जैसे हमारे पास ज्योति प्रकाश है, पुष्पा प्रकाश है, रतन प्रकाश है, बसवान प्रकाश है, और बहुत सारे यहाँ पे हैं वर्मा प्रकाश है, बली भरन है। तो बली भरन है लास्ट रूलर है इस डायनास्टी का, अगेन अग्निगिर डायनास्टी। इसका जो लास्ट रूलर होता है वो है होता है बाली भरन। अब यहाँ पे जब हमारे पास आता है वर्मा प्रकाश, जो उसका रूल जब चलता है यहाँ पे, तब जो है जम्मू में फ्लड्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पे और एक डायनास्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम है राजा बुद्ध डायनास्टी। ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, 500 to 143 BC तक। यहाँ पे जम्मू में क्या होता है, राजा बुद्ध डायनास्टी स्टार्ट होती है, जिसका पहला रूलर होता है राजा बुद्ध अर्जुन, जो 520 में आता है, जो इस बाली वर्ण को हरा के यहाँ पे कंकर करता है इस जम्मू को, ठीक। और ये अपने दौर का पावरफुल मतलब माना जाता है, ये डायनास्टी जो है पावरफुल डायनास्टी मानी जाती है, और ये रूल खुद करता है रूल फॉर 80 ईयर्स तक ये रूल करता है, और जिसको क्लियरली इसके रूलर्स ये खुद भी राजदर्शनी में क्लियरली मौजूद हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, ये कंकर करता है, ये अपने अंडर लेता है कहाँ कहाँ, बंगाल एंड कर्मा रूपा और
जो बंगाल है ये यहां तक ईस्ट के साइड से अपने अंडर करता है, ऐसे ही कन्याकुमारी एंड श्रीलंका और साउथ साउथ साइड से अपने अंडर करता है। इसी तरह से गुजरात सिंह मुल्तान जो है अपने अंडर करता है। मतलब ये कि राजा बुध डायनास्टी जो है ये अपने एम्पायर को अपने रूल को बढ़ाता है, अपने कैरियर को बढ़ाता है। और फिर ये मैरिड, ये एक शादी किससे करता है, एक श्रीलंकन प्रिंसेस से ये रूल करता है। इसका रूल जो है चलता चलता है 37 ईयर्स तक इनका रूल चलता है। मतलब इनका रूल रूल जो रूल जो है ये खुद रूल करता है, मतलब बहुत सारे टाइम के लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं और आगे, अब देखते हैं मतलब राजा बुध डायनास्टी के और जाते हैं, अब देखते हैं बाकी इसके मतलब कुछ खासियत। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राजा बुध डायनास्टी। राजा बुध डायनास्टी जो है इसने जम्मू में 357 ईयर्स तक राज किया है। कितने ईयर्स तक? 357 ईयर्स तक। और जो जम्मू है, जो जब रूलर्स आते रहे इस दौरान क्या है, कभी कभी जो है ना वीक भी हो गई है, मतलब उनकी सल्तनत है हुकूमत। फिर जो जम्मू है ये बिकम जम्मू बिकम पार्ट ऑफ पंजाब सियालकोट एंड तरशाला जो है, मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया, डिवाइड हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, जो दामोदर दामोदर दत्त था इसने इसको रे यूनाइटेड इसने किया, मतलब उसको दोबारा से जोड़े, फिर इसको दोबारा से जोड़े इन पार्ट्स को, जम्मू के रीजन से जो डिवाइड हुए थे पार्ट्स इन सबों को एक साथ जोड़े। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, किसने जोड़े हैं, दामोदर दत्त ने, जो दामोदर दत्त ने। और इसके बाद जब अलेक्जेंडर्स इन्वर्शन, यहाँ इन्वेंशन 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 होता है यहाँ पर, तो फिर जो है ये अपना बहादुरी से, जो दामोदर दत्त है अपनी बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन बहादुरी दिखाते दिखाते ये मतलब इसको ये खत्म किया, मतलब खत्म हो जाता है यहीं पे, इसकी मृत्यु भी यानी इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसका जो बेटा है अजय सिंह आ जाता है रूल करने के लिए। और अजय सिंह का रूल के बाद यहाँ पे जो रामा गुप्ता है, रामा गुप्ता आता है और ये रहता है इसका लास्ट लास्ट रूलर ऑफ, ठीक, लास्ट रूल रहता है। और इसके बाद यहाँ से हो जाती है स्टार्ट हमारी राय डायनास्टी। इसके बाद हो जाती है स्टार्ट राय डायनास्टी। ठीक, जो फाउंडर होता है इस राय डायनास्टी का, फाउंडर जो राय डायनास्टी का होता है वो कौन होता है, वो होता है आदि राय। आदि राय, आदि राय जो है वो है फाउंडर ऑफ राय डायनास्टी, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर टू रूल जम्मू, टू रूल जम्मू, फर्स्ट रूलर जो इंडिपेंडेंट रूल रूलर रूल करता है वो होता है आदि राय। और ये जो है 40 ईयर्स तक रूल करता है। कितने ईयर्स तक? 40 ईयर्स तक रूल करता है। इसके बाद इसका सन आता है देवराज। इसके बाद जो इसका सन आता है वो है देवराज। फिर इसके डिसेंडर्स आते हैं, नाइन नाइन रूलर्स आते हैं, जैसे गधरप राय या कदम राय, करण राय या सिंह राय। इसके बाद आता है दूध राय। इसके बाद जो लास्ट रूलर आता है वो होता है जोग राय। जो इसके बाद जो लास्ट रूलर होता है वो होता है जोग राय। जो जोग राय होता है वो लास्ट रूलर ऑफ राय डायनेस्टी होते हैं। इसके दो बेटे होते हैं जोग राय के, एक होता है मनहन हंस जो फार्म करता है क्या मनहस ट्रैक, और ये सेटल होता है सियालकोट में, एक सेटल होता है सियालकोट में। दूसरा होता है सूरजधार जो है इसकी डहर डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ये अपना मतलब डायनेस्टी यहाँ पर क्रिएट करता है डहर डायनेस्टी, क्योंकि होता है इसका बेटा जो है राय का बेटा। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ से हमारा राय डायनेस्टी जो है खत्म होती है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट डहर डायनेस्टी से। तो बनी रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।